ये क्या कर रहे हो? ठाट बांध रहा हूं। इस तरह से? ओके। ठाट तुम ठाट बांध रहे हो कि घाट बना रहे हो? घाट कहे मुझे चूड़ी फोरे जहाँ कहे का? रुक जाओ, अब लगाओ। कैसे है गाना? ए वो भजन अभी सुन। ये कौन सी भाषा? ये भाषा नहीं है, ये राग है। राग? अच्छा, राग रागनी की भी जानते हो? ये कौन सा राग है? इस राग का नाम है सांगड़ा। ये भी कोई राग होता है क्या? सांगड़ा। अच्छा गाओ। तेरी इक्स में पागल हो गया दीवाना तेरा रे, होते होते हो गया अब दाना तेरा रे। जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। हाँ, ये मेरे का लुफड़ा है नहीं। क्या? मुंह से लुफड़ा है नहीं। जिंदा हो तो फिर क्यों मूर्खता भरी बातें करते हो? भजन तो गा दिया। तुम ये भजन सुना रहे थे? अका है। ये क्या था? अका है। ये भजन नहीं था? भजन नहीं तो का भोजन है? वही था। भजन सुनाओ। कभी संत ऋषि मुनियों की सेवा किया है तुमने? हाँ, मैंने सेवा की है। लाखों ऋषि मुनियों की दाढ़ी जटाओ काट डाला। अरे वो नहीं, जिस भजन में श्री राम जी का नाम हो वो भजन सुनाओ। ओ, श्री राम का? हाँ, श्री राम का। श्री राम नहीं, श्री राम। हाँ वही, श्री राम यादव। तुमको बस यही दिखाई देता है? और फिर प्रभु परमात्मा। ओ, परमात्मा दीन। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम तो कह दूंगा, मैं जय राम ना कहूंगा। क्यों? ये हमारे बाप का नाम है। ए? सही बताना, यही नाम? हाँ, नहीं है कैसे कहना है? श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम। अच्छी तरह बोलो। श्री राम जय राम। लग रहा है कि तुमको जबरदस्ती कोई मृत्यु दंड दे रहा है। प्रेम से? प्रेम से। हाँ। श्री राम, ओ श्री राम। अब प्रेम से आएगा। बोलो बोलो बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम। किसना बोल प्यारे मन की बात, बोल प्यारे किसना किसना बोल प्यारे मन की आते, बोल प्यारे मोहन मेरा कहना। दम दम तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। पुनः जय मां गजानन किराना स्टोर प्रोप्राइटर। बच गया बच गया बच गया बच गया, न तुम्हारे भाग से बचा
न इनके भाग से बचा, न कमेटी वालों के भाग से बचा, मैं बच गया अपनी लुगाई के भाग से। गजब यार, गजब है कि नहीं है। और श्री राजू परिहार, राजू परिहार जी आपकी ओर से भी वाले वो बैठे हैं, हमें लगा तुम गुड्डू भैया को याद कर रहे हो। गुड्डू भैया भी है? हाँ, लोग तो, अच्छा गुड्डू भैया 500 का रुपया बच गया, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी, अजाकी रही भावना वैसी, वह हो गई ऐसी तैसी। बच गया, आप लोगों ने कुछ देखा? आप लोगों ने कुछ देखा? आप लोग नहीं देखते कुछ, जो कुछ देखती है तो मेरी सिंगल मूछ है। अजी तुमने देखा, इनने देखा, उनने देखा, उस टकला ने देखा, आज क्या देखा, ये धनुधारी, ये धनुधारी जग झागी निराली है, धनुधारी जग झागी निराली है। और जब मारी खबरी मत मूड़ धरे खजुआ, इसलिए मुझे गोरी औरत न चाहिए। मुझे कैसी चाहिए राजू भैया? मुझको कैसी चाहिए? मुझको चाहिए काली। कितनी काली? अरे एकदम काली ब्याज जी, एकदम काली, एकदम काली, बिल्कुल एकदम भभूका। अरे तो कितनी कितनी साउंड धरे यार, कि कम से कम महीना भर में एक दिन तो नजर ना हुए। कौन देना? अमावस की देना, अंधियार हुई ही तो बिल्कुल ऐसे हुई, एकदम काली औरत हो, एकदम काली, एकदम काली, और उसको पीली साड़ी पहना दियो तो कैसे लगेगी? वैसे लगेगी जैसे कोनो राई के खेत में कोनो भदावर भैंस चरत हो, वो चल जाएगी। हाँ हाँ, और जो कहीं एक आंखी से गुल मसाला मिल जाए, मतलब एक मोहल्ला साफ हो, और समझने वाली बात है एक एक आंखी गुल हो, और समझने वाली बात है कि एक आंखी से कानी हो, तो कौनो बैठ तो नहीं है कानी जो मार के सुधरी कर दी। एक आंखी से कानी हो तो एक फायदा, चाहे चंदवारा से पूर्व से होते हुए मुस्करा तक जाए तो कौनो गुंडा के हिम्मत ने यहाँ क्योंकि कहती के पूछ हिला दे वो चल जाए। एक फायदा और है एक आंखी के कानी में, ब्याज जी जैसे ये तरफ के आंखी गुल है, ये तरफ के आंखी गुल है, अल तुम अव्वा दो जने लड़त हुआ तो जो ने कहती कि आंखी गुल हो, वही कहती कि ठाड़ू जो हुमक था पर मारा, टचाक बोली तो समझ न पाई जहां का है रे तहां का चले जा तब घूमत, अब वही वही आंखी दे चले जा जो ना की सही हो, तो वही समझ में आई कि को बबर दीन तो यह मैं पहिया फायदा है। और जो कोई हाथन से लूली मिल गया, हाथन से लूली मिल गया है उसमें भी डबल फायदा। नंबर एक, आप हैं श्री छत्रपाल जी परिहार आपकी, अगर हाथन से लूली मिल जाए तो उसमें डबल फायदा। नंबर एक का फायदा है भैया? नंबर एक लुगाई का लुगाई ऊपर से कमाई, मतलब लुगाई का लुगाई का मतलब घर में रोटी बनाई। कमाई कैसे है ये बताओ? हाँ, पहला नंबर घर में रोटी बनाई, दूसरा नंबर बढ़िया अपने गांव के एंगोटा के स्टेशन में बैठा दे करी, तो ऐसे हाथ करके बैठी अपन यहाँ कहो करी तेरी मेरी मेरी तेरी, बढ़िया आराम से कहो करी ऐसे हाथ करके, कही बाबा 10 रुपए दे दे बाबा, तो ये लड़का बच्चा मर जाए 10 रुपए दे दे बाबा,
बाबा तोरी छाती में ढूंढ धरो 10 रुपए दे दे बाबा, तोरे तेरा ही में पत्नी फारो 10 रुपए दे दे बाबा, तो शाम तक कम से कम 2000 रुपए ले आएगी। ऐ तो लुगाई के लुगाई ऊपर से कमाई। हाँ, अगर कहीं लंगड़ी मिल जाए उसमें बिट्टू बोल फायदा। नंबर एक, लंगड़ी होने के कारण वो किसी के घर जाएगी नहीं, और जब किसी के घर जाएगी नहीं तो घर में दंगा मचेगा नहीं। और नंबर दूसरा, जैसे ऐसे धमक के भीड़ हो कहीं मेला ठेला यज्ञ में, हैं, और पांव धरे के जगह ना हो, दो लंगड़ी आगे कर दो तुम पाछे जाओ, देखो लंगड़ी औरत कैसे चलेगी, लंगड़ी औरत कैसे चलेगी। ज्यादा भीड़ हो उसको आगे कर दो तुम पाछे हो जाओ, जिस समय वश कर गए अस कर देगी, तो आधे जवान इस तरफ का मारे ठोकर के, आधे जवान इस तरफ का, और जिस समय अस करके अस कर देगी तो आधे जवान इस तरफ का, तुम हाथ में हाथ डाले चले जाओ, वो खुदे खरियान कर चाहिए चाहिए। तो आप लोग बनाइए अपनी तैयारी, मैं जा रहा हूं बनाने अपनी तैयारी। थैंक यू। यू ऑल इंडिया रेडियो हूँ, हिंदी में समाचार सुना सकते। अभी अभी हमारे संवाददाता ने बताया है कि चंदवारा और मुस्करा के बीच में दो औरतें दाढ़ी मूछ बनाती हुई पकड़ी गई। सुनो तो, चंदवारा नहीं चंदौरा, चंदौरा है, वही है चंदौरा। चंदौरा और मुस्करा के बीच में दो औरतें दाढ़ी मूछ बनाती हुई पकड़ी गई है और उनको थाने में बंद कर दिया गया है, 302 का केस लगा दिया गया है। अवगत समाचार, हमारे संवाददाता ने बताया है कि कानपुर देहात से कुतिया लापता हो गई है, जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर, वजन 50 ग्राम है। उसको ढूंढने के लिए 4 गधे भेजे गए थे, वो ये 3 बैठे हैं, चौथा मैं, ये गधे, ये 3 रंग बिरंगे बैठे हैं। ये गधे जैसे ही पुल के ऊपर पहुंचे तो गाड़ी उनको रौंद के चली गई, कुछ मर गए कुछ घायल हो गए, जो घायल थे उन्हें दफना दिया गया है और जो मर गए थे उन्हें नसबंदी के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। आप लोग बनाइए अपनी तैयारी। और अभी अभी हमारे संवाददाता ने बताया है कि यहाँ पर जितने भी मर्द आए हैं सब फेरब लवली खाकर सो जाएं, और यहाँ पर जितनी भी हमारे औरतें आई हैं, अम्मा आई हैं, जीजी आई हैं, भाभी आई हैं, बुआ आई हैं, सब यहाँ पर जितनी भी औरतें आई हैं, जीजी आई हैं, भाभी आई हैं, सब तेरे नाम, यहाँ पर जितनी भी औरतें आई हैं, भाभी आई हैं, सब छेरी की लेनी खाकर सो जाए, नहीं तो वरना सुबह तक दाढ़ी मूछ जामने की आशंका है। अब बूढ़ी बूढ़ी अम्मा 5-5 किलो छेरी की लेनी खाए, वरना सुबह तक बड़ी मूछे बड़ी दाढ़ी उगाएंगी। तो आप लोग बनाइए अपनी तैयारी, मैं जा रहा हूं बनाने अपनी तैयारी। थैंक यू। देखिए, ये राक्षस लोग हैं, असुर लोग हैं, और बाबा तुलसी जी ने इन लोगों के लिए लिखा है, बाढ़े खलबहु चोर जुमारा, जे लंपट परधन परदारा, मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन सन कर।